वेलकम जी। आज मैं सिखा रही हूँ आपको जीरे वाले चावल, क्यूमन राइस जो होते हैं राइस, वो बनाना सिखा रहे हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो बताती हूँ मैं आपको। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जिन्हें 20 मिनट पहले भिगो दिया था, 20-25 मिनट पहले भिगो दिया था। तो इसमें पानी भी कम डलेगा भीगने की वजह से और जल्दी बन जाएंगे। ऑयल चाहिए हमें 2 सर्विंग स्पून, और इसमें मेरे पास दालचीनी है, सिनेमन स्टिक्स ले लें आप 2-3, क्यूमन सीड्स हैं 1 टेबल स्पून भर के ले लीजिएगा, और ये लौंग है हमारे पास, ये 6-7 लौंगे ले लीजिएगा, काली मिर्चें हैं इसमें ये 10-12, ये ले लीजिएगा ब्लैक पेपर, और सॉल्ट चला गया इसके अंदर 2 टेबल स्पून, और प्याज मैंने 1 मीडियम साइज़ की काट ली है। इसको फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल डाल दिया इसमें 2 सर्विंग स्पून, और मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। जब प्याज ब्राउन हो जाती है तो बाकी चीज़ें डालते हैं। देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें डाल ये अपने सिनेमन स्टिक्स डाल देती हूँ, काली मिर्चें चली गई, लौंगे चली गई, जीरा चला गया, जीरा चला गया। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी, अब मैं इसमें 5 ग्लास वाटर डाल के अपने चावल डाल दूंगी, क्योंकि चावल भीगे हुए हैं जल्दी हो जाएंगे। तो अब हम इसमें पानी डाल दिया, अब चावल डाल देते हैं। अब मैं इसे रख रही हूँ जब तक, अब आप देख लें कि 80% इसको हमने इसके अंदर कुक करना है। मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट। जब ये गल जाएंगे फिर इसको बाकी का हम इसे दम दे देंगे। तो जब तक मैं इसको 80% जब तक ये कुक हो रहे हैं चावल, लो टू मीडियम पे जी। ये नमक रह गया था, नमक डाल रही हूँ मैं इसमें। सॉल्ट चला गया 2 टेबल स्पून, सॉल्ट आप अपनी मर्जी से देख के डालिएगा और मिक्स कर लीजिएगा ताकि कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए। इसको ढक रहे हैं हम 10 से 15 मिनट तक के लिए, तो फिर ये हो जाएंगे। 80% कुक करना है बस, इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए चावल हमारे हो गए, अब मैं इनको दम पे रख रही हूँ, मतलब 80% तक हमारा चावल जो है वो गल गया है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ 10 मिनट, 10 से 15 मिनट बस। आप ये देख लीजिएगा कि आपका चावल जब हो जाए, ज़्यादा दम ना लगे ताकि बिल्कुल नरम ही ना हो जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है, मैं इसको दम पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा है 10 मिनट के लिए, इसकी जो आँच है वो हल्की कर दीजिएगा। चावल जी हो गए रेडी, अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें अच्छी तरीके से गल गया ये चावल ना, तो आपका चावल सही गल जाना चाहिए। तो चावल हो गए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी देखें मैंने चावल डिश आउट कर लिए हैं, राइस हमारे ऊपर से। ये कि आप रोस्टेड, अगर आपके पास क्यूमिन सीड्स हैं तो ऊपर से आप रोस्टेड क्यूमिन सीड्स डाल दें इसके ऊपर, और ये चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।